बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं होंडा सीआरजी की डिटेल रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं सीआरजी की डिटेल रिव्यू और इन्फॉर्मेशन। तो चलिए एक वॉक अराउंड आपको देते हैं। होंडा सीआरजी एक स्पोर्ट कॉम्पैक्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल है जो कि एक होंडा का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। होंडा सीआरजी एक इसकी जो बॉडी की बात की जाए तो एक स्पोर्ट हाइब्रिड ट्रेडिशनल कार से आती है, कूपे शेप में, टू डोर में। होंडा सीआरजी एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कार्स में आती है, एक एलिमेंट है जो कि टू सीट्स ऑफ होंडा की। सीआरजी एक सक्सेसफुल वेरियंट है, एक सेकेंड जनरेशन होंडा सीआरएक्स की। होंडा सीआरजी एक अगर बॉडी की बात की जाए तो एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, टू सीटर टू डोर कूपे स्टाइल में, और जो कि ये गाड़ी रिलेटेड है होंडा इनसाइट और होंडा हाइब्रिड फिट हाइब्रिड के साथ ये रिलेटेड आता है ये गाड़ी। इसका जो शेप है, कप शेप, इसका फुल इंटीरियर डिज़ाइन जो होते हैं ये एक दूसरे से तकरीबन मिलते जुलते हैं। अब आते हैं जी इंजन की तरफ। होंडा सीआरजी एक गैसोलीन 1.5 लीटर 16 वाल्व इंजन है, आईवीटेक सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ आती है, और इसमें जो न्यू टेक्नोलॉजी इसकी होंडा की है, इंटीग्रेटेड मोटर असिस्ट। ये एक हाइब्रिड व्हीकल है और हाइब्रिड के साथ इसका एक मोटर आता है, मोटर असिस्ट जिसको कहते हैं, एक उसको रन करता है। जिस तरह 1.5 लीटर है तो इसके साथ मोटर मिलके तकरीबन 2000 सीसी तक ये पावर देती है, 1100 हॉर्स पावर देती है 6000 आरपीएम के साथ ये गाड़ी। 144 न्यूटन मीटर टॉर्क ये देती है, प्रोवाइड करती है ये गाड़ी। और डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो ये व्हील बेस इसका 2435 मिलीमीटर आता है। अगर लेंथ की बात की जाए तो इसकी 4085 मिलीमीटर इसकी लेंथ है, और हाइट जो है इसकी 1395 इसकी मिलीमीटर इसकी हाइट है, एंड वेट जो है इसकी 1740 मिलीमीटर इसकी वेट है। तो ये है होंडा सीआरजी स्पोर्ट्स कूपे, फुल स्पोर्ट्स वेरिएंट है होंडा का, आप देख सकते हैं। और कब वेट इसका 1236 केजी। अब जाते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, और आप देख सकते हैं इसकी ये की कीलेस एंट्री। गेज क्लस्टर इसका, आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ, आपको ड्राइवर को जो बिल्कुल उसको फोकस करने के लिए इनका स्पीडोमीटर इस तरह बनाया गया है कि बिल्कुल सिर्फ ड्राइवर ही देख सकता है इसका मीटर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको ट्रिप्स और किलोमीटर्स माइलेज आपको देखने को मिलता है, ये आप यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इसमें थ्री मोड्स आते हैं, ये स्पोर्ट मोड, नॉर्मल मोड, इकोन मोड, साइड मिरर्स कंट्रोल, फॉग लैंप्स एंड ट्रैक्शन कंट्रोल। और
यहाँ पे आपको बैटरी चार्ज मिलता है, ये क्लाइमेट कंट्रोल एसी, और ये डिफ्रॉस्ट सिस्टम, एंड ये आफ्टर मार्केट, इसमें एंड्रॉयड पैनल हमने इंस्टॉल किया है, नेविगेशन सिस्टम, और ये इसके रूफ लाइट्स, क्रूज कंट्रोल, एंड पैडल शिफ्टर्स के साथ ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, ये आप देख सकते हैं, 7-speed पैडल शिफ्टर्स के साथ CVT टेक्नोलॉजी। और ये मैनुअल हैंड ब्रेक, ये 12V का चार्जर यहाँ पे, ये स्मॉल ग्लव बॉक्स, इसको आप कह सकते हैं स्टोरेज कंपार्टमेंट, और ये अब चलते हैं बूट स्पेस की तरफ। ट्रंक, ये इसका ट्रंक है, स्टोरेज आप देख सकते हैं, ये इसका फोल्डेबल सीट आगे की तरफ, और इसके नीचे जो है बैटरी दी हुई है, इसमें कब नहीं फिटेड स्टेप भी नहीं आती एक्स्ट्रा टायर। तो ये रही पूरी होंडा CRZ की डिटेल रिव्यू। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये बताएं हमें कि हमारी रिव्यूज़ में क्या क्या कमी है और क्या क्या हमने इम्प्रूव करना है। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।